साहब दुश्मन लोग के साथ मत भेजो ना, खतरा है। अंदर डरता क्या, जेल में निपटाएंगे इसको। ए शिवा चल अंदर, ये चल रहे तू भी चल अंदर, मच मच नहीं मांगता है भाई। ये शिवा जेल में अपन के साथ है, डर लग रहा है। सेंथिल के लोग अपन की जान के दुश्मन है। राजू को शिवा से खतरा है साहब। साहब मेरे पर एक एहसान करो, मेरे को इन लोग के साथ मत भेजो। ए एक रात चुपचाप निकाले, कल भेजेंगे ना तुझे। तू कोई रसमलाई नहीं जो तुझे खा जाएंगे। सेंथिल के नाम से उसके गले में आगे ले, कहीं रात को ये खर्चा ना हो जाए। ए लाल शर्ट इधर आ। क्या रे नया भर्ती है क्या? क्या केस बना है? वही मार्केट। जैसा कॉलेज में रैगिंग होता ना वैसे इधर भी रैगिंग होएगा, तैयार रहने का, समझा क्या? मेरे घर वालों को मालूम है क्या, इधर बड़े घर में आए है। हाँ भाऊ मालूम है। अपने को थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, अदरक वाला चाय पिलाने का, मस्त एकदम। तूने अपन की जान बचाई, मतलब तूने अपन को अपना कर्जदार बना लिया है। उसकी जिंदगी का खाता अपन ही क्लोज करेगा। इस जेल में दो बड़े बड़े गैंग है, एक का नाम है सेंथिल और दूसरा है भूरा। ये लोग जो आ रहे ना, वो भी सेम टू सेम अपन की तरह ही सेंथिल के कार करता है, और वो शिवा वो भूरा का चम्मच है। साहब लोग शिवा का मस्त मसाज कर रहे ले। तूने अपन की जान बचाई है, अब भूरा के आदमी तेरे को ठोक डालेंगे। पर डरने का नहीं, अपन सेंथिल दादा से बात करेंगे ना। दो महीने की यहाँ कोई परेशानी नहीं। भाई वो चिलगोजा दिख रहा है ना, उसी ने राजू को बचाया। वो सट में वेलू है, शिवा का बिग बिरादर। जेलर को बोल वो अपने ब्लॉक में चाहिए। ठीक है भाई। लगता है तेरे को अपने ब्लॉक में ले जाएंगे। कंचा साहब तेरा ट्रांसफर हो गया तो गया तू। हाँ साहब। वो लोग शंभू को अपने ब्लॉक में चाहते हैं। शनमुखानंद हाजिर सर। राजू रेजेंट साहब जिधर भी जाएगा संभल के रहना, अपन तेरे को वापस लाने की फुल कोशिश करेगा। ठीक है तुम सब लोग सातवें में, बाकी ग्यारहवें ब्लॉक में जाओ। यहाँ से शंभू की नई यात्रा शुरू हुई, ऐसी यात्रा जो किधर जाके खत्म होएंगी ये उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम। शंभू के अंदर एक अंगार दहक रही थी, उसे भूरा के ब्लॉक में डाल दिया गया। बेचारा गांधी बनने गया था, फंस गया। दास सेंथिल दादा से बात करके उसको अपने ब्लॉक में ले डाल। ठीक है। ए प्रवेश कर, चलना। ए खजो हट, आजो। अरे वेलू भाई अपना शिवा कैसा है? अरे मजे में, अस्पताल से आ जाएगा कल। भाई ये हुआ कैसे? लेकिन सब ये खजूर की वजह से हुआ है। क्या आंखों में बैठेगा? चल चल के दिखा ये खजूर। चल आजा, आजा अंदर, चल आजा आजा। मणि भाई वो बताया था ना लड़का, यही छे। फोन करता है। नाम क्या है? शंभू भाई। अपन का भाई शिवा इसी की वजह से तफलीक में, इसी की वजह से सेंथिल का गुर्गा बच गया। मन करता फोड़ डाल। रुक रे संपत। जी भाई। कल तेरी बेल हो रही ना? हाँ भाई। वेलू संपत की जगह इसको खिदमत पे लगा दे। देख खाना अच्छे से पकाना सीख ले, अगर भाई लोग को खाने में टेस्ट नहीं मिला ना तो तेरा टेस्ट वो निकाल देंगे। Hi Jack. Hey Shampad. How are you? I'm good. This is my friend Shambhu. Hi man. Now he khana cooking. You? Usual? No. You eat meri taraf se. Kal se holiday. Okay. Dara wale dar aa gaya lana. Hey Amit. Nariyal phod. Sharab. Agar ye nariyal mandir mein phoot gaya hota to. सुन शंभू, नया जेलर बहुत खड़ूस आदमी है, संभल के रहने का, समझा ना? समझ गया। और एक बात सुन, अगर कोई तुझसे मिलने आया ना तो उनसे मिलने की रिश्वत लेने का, बोलने का बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट या पंडरपुरी तंबाकू लाने का, तेरे लिए नहीं रे, भाई लोग के लिए। अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तो भाई लोग तेरी बहुत वाट लगाएंगे। ये मारिया भाभी को दे देना। ये तो वजन में बहुत हल्का है रे। अरे नया जेलर आया है। अरे साहब अनाज को लात मार रहे ले, कसम से आपका पाप लगेगा साहब। तो अनाज में ड्रग्स लेके आया क्या ये? आज के बाद जो कुछ भी आएगा पेटिशन रूम में चेक होगा, और जो भी मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा उसकी वर्दी उतार के कैदियों का टॉयलेट साफ करवाऊंगा, समझे? भाई जेल में कोई अपोलो की टिप दे रहा है, इसलिए पांडु लोग अपने पीछे पड़े हैं। जब कैदी लोग को ड्रग नहीं मिलेगी ना तो वो जेलर को डंडा करेंगे, तब भी अकल ठिकाने आएगी। आहिस्ता आहिस्ता नेता लोग ने भी सेंथिल के केस से अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। जेल के बाहर आप कितने भी बड़े थुर्रम खा क्यों ना हो, जेल के अंदर आप एक नंबरकारी बन के रह जाते हैं। इधर हर काम खुद ही करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा और डाल दे। तशरीफ पे डंडे पड़ते हैं। कम डाल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बस बस अच्छे से सेवा कर, लास्ट दिन है तेरा।
जेलर से बात किया, हो जाएगा। भाई ये संपत कल जेल से चंपत हो रहा है ना, तो इसका फेवरेल पार्टी कर दो ना, बेचारा खुश हो जाएगा। जा उधर से पानी ले और टॉयलेट साफ कर डाल। सुना ना, एकदम क्लीन करना। संपत इधर आ। हाँ हाँ भाई। घुटनों पर बैठ, रेलवे पार्टी चाहिए तेरे को। वो कल जा रहा था तो सोचा पार्टी ले लू। नहीं दे। कब चाहिए पार्टी? अभी दे दो। पार्टी झूठ मत बोला कर, झूठ बोलने से पापों का घड़ा भर जाता है। ए झिंगूर, पैखाना धोते वक्त तो धागा मत तोड़ देना, अंदर मोबाइल लटका के रखेला है, अगर वो गया तो तू भी गया। ए, ए, बाहर निकलो, चलो क्यों सब, चलो बाहर निकलो सब लोग। मनी फोन निकाल, शर्ट चल जल्दी कर। फोन और डायरेक्ट सेंथिल के ब्लॉक में मिलेगा साहब, लेकिन हमें टिप मिलेगी तेरे पास फोन है। इधर सब शरीफ लोग रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। देख बुढ़ो, इज्जत से दे दे, वरना हमें पता कैसे निकालना है। आप उनको मालूम है फोन किधर है? तो लेकर आ। उसको लेकर आओ। तू नहीं रहे, ए तू चल। पर साहब फोन इसने दिया है, इसको ले जाओ ना। कहाँ है तू? किलपक। वो लड़का कहाँ है जिसने हमें फोन दिया था? सर मुझे लगा था आपने इसे बुलाया। ये वो नहीं है, उसे लेकर आओ जल्दी। जिस जिसने मारा है सबकी तबीयत से धुलाई करो, ले जाओ। शंभू के जेल आने की वजह यही केरम का खेल है। शंभू केरम का माहिर प्लेयर है, बोले तो चैंपियन है। लोग पढ़ाई लिखाई में इन्वेस्ट करते हैं, इसने कैरम में इन्वेस्ट किया। आज से 9 साल पहले लोग उस पर बहुत बाजी लगाते थे। शंभू को पहली बार सिवाई जुए के खेल में लाया, वही सिवा जो उसको आज मारने की धमकी दे। अरे अपन का दोस्त कैरम में पीएचडी खेला है, लेकिन उस पे कोई शर्त ही नहीं लगाता। अरे वाटा ना, अपन अपने दोस्त पर बाजी लगाएंगा, सबको कंगाल करके जाएगा। शंभू तो लोग की रमज पर ध्यान मत दे, क्वींग पर ध्यान दे, क्वींग पर। शंभू को कैरम का चैंपियन बनाने वाला राजन था। राजन अपनी बस्ती वालों के लिए किसी से भी भिड़ जाता था, इसके लिए बस्ती वाले उसको अपना भगवान मानते थे और उसकी एक आवाज पे औरत क्या मर्द क्या सब मरने मारने को तैयार रहते थे। उसके इलाके के सारे बच्चों का सबसे बड़ा हीरो राजनिश था। उसके सामने रजनीकांत जैसे एक्टर लोग भी पानी भरते थे। राजन जो कहता बच्चे वही करते। तीर की तरह निशाना लगाने का। गाँव के लोगों के लिए कैरम क्लब बनाने वाला भी राजनिश था। ये कैरम क्लब अपन ने तुम लोग के वास्ते स्टार्ट किया है, इधर किसी भी चीज की मनाही नहीं है, बिंदास खेलने का, बैट लगा के। अगर पुलिस आके कोई कानूनी करती है ना तो उसको कान के नीचे दे के वटाने का। पर जो लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ो, जो नहीं पढ़ना चाहते हो खेलो, बॉक्सिंग करो, कुश्ती करो, बॉडी बिल्डिंग करो। अगर इसमें इंटरेस्ट लिया तो तुमको इसके जैसा स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो फॉरेन जाने को मिलेगा। फॉरेन में नौकरी करके जब उधर का पैसा इधर आएगा तब अपन के गाँव का नक्शा बदल जाएगा। क्या बाहर का लोग सब खाऊ खुजाऊ है, ये बात भेजे में घुसा लो, अपन को ही गांव का सोचना पड़ेगा। राजन बोलता था कैरम खेलोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, और तभी से शंभू इसी उम्मीद में आज तक कैरम खेल रहा है। शंभू के ऊपर अपनी राड़ो घड़ी लग गए बाप, कैरम चिकना नहीं है तो और पाउडर डालू क्या? ये शंभू, ये शंभू राड़ो का सुन के टेंशन मत ले, बीपी मत बढ़ा, आज तक कभी हारे क्या? ये घमूरी खुजली काय को कर रहा है, प्लेयर डिस्टर्ब हो रहे ना। अपुन को खुजली का आदत है। बाद में खुजा क्या, चैंपियन के आगे बच्चे को बिठा दिया है। बच्चा किसको बोला? रुक, तेरी आने वाली नस्लें खराब करता है। जाने देना, क्या कर रहा है? अपुन संभाल लेगा। ए हार गया घमूरी, चल चल अब जा, जितना जाके खुजाने का खुजा चल। हेलो की बोलछो, टॉप का डाला क्या हुआ?
अरे राजीव गांधी को उड़ा दिया। अरे कौन राजीव गांधी? अरे अपना प्रधानमंत्री। ओ, उड़कर अब तक कहाँ पहुँचा होगा? बहुत बार जीता रे बाबा। अरे चिल्लर भी चलेगा दे। अरे राजीव गांधी को उड़ा दिया। कौन रे? हर जगह लूटपाट मचा है। एक-एक बोर्ड और खेलेगा सम्भू। कल्टी मारो, कल्टी मारो, रूम खाली करो, चलो। सम्भू अगर हवा का स्टॉर्म आएगा ना तो तू उड़ जाएगा, लेकिन केरम में ना तू सबको उड़ा देता है। अरे ऐसे ही बैटिंग करते रहा ना, तू बहुत कमाएगा तू। अरे सोने का स्ट्राइकर होएगा तेरे पास। अरे भाई को पता चलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अपन जुआ खेलता है। वो चाहता है कि अपन स्टेट लेवल का तैयारी करे। अरे इतना गलत होता जुआ तो सरकार लॉटरी काय को निकालती है। बोल हां, ये ले चाय खारी का। अरे ना भाई। अरे रख रे चोर पाकिट में। थैंक यू। अरे भाई ये लूटम लाठी काय को चल रही है। अपने देश में ऐसा चलता है, मरता कोई और है, भरता कोई और है। ये तोड़ रहे, ठीक से तोड़, चल। प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है, इसके लिए ये लोग लूटम लाट मचा रहे हैं। तोड़ना मत, तोड़ना मत, बोल देता हूँ, ठीक नहीं होगा। देख राजीव चचा के जाने से इन लोग का फायदा हो गया। ए सरिया दे, मैं तोड़ेगी। ए शंभू, इधर आ रहे हैं मेरी औलाद। इधर आ, तेरी माँ बुला रही है। अम्मा बुला रही है। आज तेरी माँ के दूध का खर्च अदा करने का टाइम आ गया, चल जल्दी कर दुकान तोड़। क्या कर रही है? आज तक तो एक ढेला कमा के लाया नहीं, मौका अच्छा है, लूट लेना। अरे माँ चोरी से भगवान क्रोधित होता है माँ। अरे चल भगवान का नाम लेके लूट। अच्छा क्या, ठीक है, ए, चल अपन घुसते। अरे आजा, ए, ए, चलो रे, ए, माँ का हुकुम है, आज अपन को कोई रोक नहीं सकता। अरे माँ के हाथ पे छाले पड़ गए, एक चल के बाहर आ जाऊंगा, चलो ना। आजा माँ। ए बुढ़िया इधर घुस रही है, चल निकल, चलो चलो बचा। अबे इतना सामान तो तेरे देश में भी नहीं मिलता मेरे को। माँ ये सिलाई मशीन का वजन आप उससे भी ज्यादा है माँ। छोड़ रे। अबे ये क्या मियाँ भाई के औरतों की तरह निंजा बन के आई लाई तू? हाँ एक बात याद रख, ये कैरम खेलने वाले का हाथ है, एक पड़ गया ना तो सीधा पॉकेट में। छोकरी के शर्ट का बटन क्या टूटा, शंभू के मन में लड्डू फूटा। तेरी टिकली किधर है? क्या रे, तेरे को अपन मरद दिख रहा है? तेरे को मेरा ये कटीला बदन और ये स्कर्ट नहीं दिख रहा? अच्छा स्कर्ट है क्या? अपन को लगा लूंगी है। फोड़ डालेगी। अरे बटन डालेगी।